हिंदी बोलने का मन करता है, मेरा अंग्रेजी पढ़ाने का मन करता है, मेरा गर्मा गर्म चाय पीने का मन करता है, हम सभी का इंग्लिश बोलने का मन करता है। इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक ऑब्लिक फील्स लाइक प्लस एक्शन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आपको इस स्ट्रक्चर की मदद से, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, मन करता है या जी करता है, आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से ये जो मैंने सेंटेंसेस अभी बोले इनको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे। आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फील लाइक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो फील लाइक है वो आपको यूज करना है आई वी दे यू के साथ, आई वी दे यू या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। और जो फील्स लाइक है जिसमें एस लगा है, एफ डबल ई एल एस, जिसमें फील्स लिखा है, उसमें उसमें आपको किन सब्जेक्ट्स का यूज करना है, ही सी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इस तरीके से आपको फील लाइक और फील्स लाइक का यूज करना है। चलिए देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं अपन, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। जैसे मैंने बोला मेरा मन आइसक्रीम खाने को करता है, आई फील लाइक इंजॉइंग आइसक्रीम। मेरा मन इंग्लिश पढ़ाने को करता है, आई फील लाइक टीचिंग इंग्लिश। मेरा मन हिंदी बोलने को करता है, आई फील लाइक स्पीकिंग हिंदी। मेरा मन मोबाइल चलाने को करता है, आई फील लाइक ऑपरेटिंग मोबाइल। हमारा मन गर्मा गर्म चाय पीने को करता है, वी फील लाइक enjoying piping hot tea। इस टाइप से आप सेंटेंसेस को बहुत ही ईजी वे में लोगों से बोल सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्ट्रक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।